काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा चल रहा है मी टू का, और काफ़ी पुराने केसेस 10 वर्ष पहले के 15 वर्ष पहले के काफ़ी बड़े नामचीन नाम भी सामने आए हैं। मैम आपको क्या कुछ आप राय व्यक्त करना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मी टू मूवमेंट जो शुरू हुआ है बहुत ही अच्छी शुरुआत है कि लोगों का ये कहना है कि लोग 10 साल 15 साल के बाद क्यों बोल रहे हैं। मैं ये कहने का मतलब है कि आसान नहीं होता किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो ये हमारी इंडस्ट्री में ही नहीं होता है, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री और थिएटर के क्षेत्र में ही नहीं होता है, ये हर जगह होता है, चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो मेडिसिन वर्ल्ड हो। टीचर को प्रमोशन करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये जो औरतों ने बोलना शुरू किया है, आई थिंक ये बहुत अच्छी शुरुआत है, भले ही हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हो, और हॉलीवुड में इसका बहुत अच्छा असर देखा गया कि इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर, हार्वी वाइनस्टाइन को उन्होंने जेल भी कर दी, केविन स्पेसी इतना ब्रिलियंट एक्टर जो उसका हाउस ऑफ कार्ड्स जितना सुपीरियर शो जा रहा था पॉपुलर, उससे निकाल दिया गया। तो ऐसा तो इतना बड़ा तो नहीं होने वाला है, पर थोड़ा बहुत जैसे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आमिर खान ने वॉकड आउट ऑफ सुभाष कपूर फिल्म, या अक्षय कुमार ने बोला है कि मैं साजिद जी के साथ काम नहीं करूँगा, एंड फराह खान उनकी बहन होते हुए भी उन्होंने कहा है, सो दैट इज़ रियली एडमरेबल। तो इसका मतलब कुछ असर हो रहा है। और जहाँ तक लोगों का कहना है कि इतने सालों के बाद क्यों कह रहे हैं, आई से कभी तो बोले हैं, चुप रहने से अच्छा है कभी तो बोले हैं। एंड वी ऑल मस्ट मेक आवर कंट्री सेफर प्लेस टू वर्क इन। और अगर ऐसी बातें आएंगी तो कम से कम आदमियों के मन में डर तो जागेगा कि कल हम ऐसा नहीं करेंगे, कि अगर हम कुछ करेंगे तो ये हो सकता है हमारे खिलाफ बोले तो हमारी बदनामी होगी। बल्कि जो लोग नीचू के खिलाफ है उनसे मैं कहना चाहूँगी शांत हो जाओ, जो लोग औरतें बोल रही हैं उनको इनकरेज करो, डोंट लुक डाउन ऑन देम। जो ये मेरे को जब पहले पता चला आलोक नाथ जी के बारे में, ही एज यू सेड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, वो NSDB भी मेरे सीनियर रह चुके हैं, तो मैं उनको बहुत सालों से, करीब 30 साल से जानती हूँ, उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की, हम आपके कौन, हम साथ साथ हैं, परदेश, कभी खुशी कभी गम, और बहुत सारे सीरियल्स करें। और जब मैंने ये विनीता का पोस्ट पढ़ा तो मैं एकदम हिल गई, क्योंकि बाद में आई एडेड की संस्कार, आई सेड ओह शिट इट्स आलोक नाथ। तो मैंने कहा आई मस्ट बी विद दिस वुमन, क्योंकि उसके साथ जो हुआ, भले ही वो 13 साल या 15 साल के बाद बोली, बट आई एम विथ हर। एनी वुमन जिसके हु इज़ अगेंस्ट रॉन्ग, एंड मैंने बल्कि शेयर भी किया, मुझे कल ही याद आया एक हादसा कि जब मैं NSDB में पढ़ रही थी तब आलोक नाथ जी ड्रंकन स्टेट में मेरे कमरे में भी आ गए थे, मैं तब नई देहरादून से आई थी, तो मेरे लिए भी वो बड़ा भयानक सा वाक्य था, और मैंने उसको अपने सबकॉन्शियस में अंदर कहीं दबा दिया था, और मैं समझ नहीं पाई, मैं पोलाइट हो रही हूँ, वो मेरे 3 साल सीनियर थे, मैं बोली सर आई वॉन्ट टू स्टडी, कल मेरा प्रेजेंटेशन या कुछ, बट ही रिफ्यूज टू गो। आई थिंक दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ हिज डाउनफॉल। फिर वो तो शुक्र है कि शोर वोर मेरे साथ ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ, जैसे विनीता मैंने शोर वोर मचाया तो उनको बड़ी मुश्किल से बाहर खदेड़ा गया, बट ये तो सब विदित था कि ही इज़ गॉट दैट स्प्लिट पर्सनैलिटी, कि वो वैसे तो बहुत बढ़िया इंसान रहते हैं लेकिन जहाँ शराब के इन्फ्लुएंस में ही बिकम्स अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, बट दैट इज़ नो एक्सक्यूज।